हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सैम। गाइस, आज हम बनाने वाले हैं बैगन का भरता। इसके लिए मैंने गैस को ऑन कर लिया है और एक कढ़ाई को रख लिया है। उसमें मैंने कट कर लिए हैं 1 kg बैगन, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा पानी। अब हमें इसको बॉईल करना है। देखिए, बैगन अच्छी तरीके से बॉईल हो रहे हैं, इसमें उबाल आ रहा है। हमें पानी बहुत कम ऐड करना है। पाँच मिनट तक हमने इसको पका लिया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे, हमने एक टमाटर को कट कर लिया है, इसी के अंदर हम ऐड कर देंगे। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे, इसको पूरा बॉईल कर लेंगे। बैगन बॉईल हो गए हैं, अब इसको हम इस तरीके से मैश कर लेंगे अच्छी तरीके से। बैगन मैश हो गए हैं अच्छी तरीके से। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। बैगन को एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हमने एक पैन ले लिया है और पैन के अंदर 100 ग्राम ऑयल ऐड कर लिया है। इसको हम गर्म कर लेते हैं। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। यहाँ मैंने आधी प्याज ले ली थी, इसको मैंने कट कर लिया है। अब ये ऑयल के अंदर हम फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमने फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने 4 लाल साबुत मिर्च को ले लिया था, इसको कट कर लिया है, ये भी हम फ्राई कर लेंगे। मिर्च भी फ्राई हो गई है। अब बैगन ऐड कर देंगे जो हमने साइड किए थे। अब 5 मैंने हरी मिर्च को कट कर लिया है, ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब 3 से 4 मिनट हम इसको इसी तरीके से पकने देंगे। ऐड करूंगी मैं थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च, आधा स्पून ऐड करूंगी मैं नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें, कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। ये इसको हमने 2 से 3 मिनट अच्छी तरीके से पका लिया है और इसका ऑयल जो है वो सरफेस पर आ गया है। अब गैस को हम ऑफ कर देंगे, इसको सर्व कर लेते हैं। बैगन की भरते की प्लेटिंग कर ली है और इसको मैं सर्व कर लूंगी हरे धनिए के साथ। गाइस, देखिए देखने में कितना यम्मी और डिलीशियस लग रहा है ये। आपको अगर मेरी इसकी रेसिपी पसंद आई हो तो जल्दी जल्दी मुझे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और गाइस मुझे सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।